बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सहित सहयोगी स्टाफ के लिए फिर से आवेदन मंगाने का फैसला किया है। इस तरह टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच रवि शास्त्री को फिर से आवेदन करना होगा। वैसे भी रवि शास्त्री का अनुबंध आगामी वेस्टइंडीज दौरे के बाद समाप्त हो जाएगा। सहयोगी स्टाफ में रवि शास्त्री के अलावा गेंदबाजी कोच भरत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और फील्डिंग कोच आर श्रीधर शामिल हैं। आने वाले 3 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए इन सभी का कार्यकाल विश्व कप के बाद 45 दिन तक बढ़ाया गया है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की करारी हार के बाद विश्व कप में बवाल उठ गया था और रवि शास्त्री पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि खबर ये आ रही है कि मौजूदा समय में जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं वो नए सिरे से आवेदन डाल सकते हैं, लेकिन टीम को नया ट्रेनर और फिजियो मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शंकर बासु और पैट्रिक फरहार्ट भारत के विश्व कप सेमीफाइनल में हार के साथ ही सहयोगी स्टाफ के साथ बाहर हो गए हैं। वेस्टइंडीज दौरे के बाद भारत की घरेलू श्रृंखला 15 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होगी। अनिल कुंबले का कोच के तौर पर कार्यकाल विवादों के कारण बीच में ही समाप्त हो जाने के बाद 2017 में रवि शास्त्री को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। इससे पहले 57 साल के शास्त्री अगस्त 2014 से जून 2016 तक भारतीय टीम के निदेशक भी रह रहे थे। भारत ने हालांकि उनके कोच रहते हुए कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन टीम ने इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतकर इतिहास रचा था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने हाल ही में कहा कि हमारी वेबसाइट पर अगले 1 या 2 दिन में इन पदों के लिए आवेदन दिया जाएगा। सहयोगी स्टाफ के अलावा टीम मैनेजर पद के लिए भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे। तमिलनाडु के पूर्व कप्तान सुनील सुब्रमण्यम को 2017 में 1 साल के अनुबंध के लिए टीम मैनेजर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। यानी कि अब पूरी तरीके से रवि शास्त्री को बीसीसीआई ने कोच पद से हटाने का फैसला किया है। जाहिर तौर पर डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अब जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है बीसीसीआई की, ये बात लगभग तय है कि कोच शास्त्री अब कोच नहीं रहेंगे, यानी कि विराट के लाडले अब टीम में नहीं रहेंगे। एएनपी न्यूज रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।